मैंगो लिए हमने हाफ के जी, इसके क्यूब्स कर लिए थे। क्यूब्स जो हैं 2 घंटे पहले फ्रिज में रख दिए थे। कंडेंस मिल्क लिए है हाफ कप, दही लिए 1/4 कप। कोई भी आप चॉपर ले लें, उसमें कंडेंस मिल्क डाल दें। दही, मैंगो क्यूब्स, इसका ढकना बंद कर दे और इसको ऑन कर। अब हम इसका ढकना उतार लेंगे। हमारी बहुत अच्छी आइसक्रीम जो है ब्लेंड हो गई है। अब हम इसका ब्लेड हटा देंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसको एक पैन में डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। ये सेट हो चुकी है, आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आइसक्रीम को फ्रिज में रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं, ये सेट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं।